नमस्कार, सुरदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने वनस्थली विद्यापीठ के 87वें वार्षिकोत्सव में की शिरकत, कहा बेहतर शिक्षा से ही मजबूत होती है लोकतंत्र की नींव। नए जिलों की घोषणा के बाद से प्रदेशवासियों में खुशी की लहर, मुख्यमंत्री से मिलकर आभार कर रहे व्यक्त। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर का नवाचार लाया रंग, बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान से बदली शहर की सूरत। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टोंक के निवाई में स्थित वनस्थली विद्यापीठ के 87वें वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यहां उन्होंने छात्राओं की परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और झंडारोहण कर वार्षिकोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर का अवलोकन किया और परिसर में स्थित शांताबाई शिक्षा कुटीर व गांधी घर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वनस्थली विद्यापीठ एक गौरवपूर्ण संस्थान है, यहाँ आकर हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां से पढ़ने वाली छात्राएं देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। संस्थान में आकर के संस्थान तो गौरव प्राप्त कर चुकी है, हम लोग जो आते हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इस बात का एहसास मुझे है। कमला जी थी और सुमित्रा सिंह थी, वो भी आज से 70 साल पहले 60 साल पहले इसी आपकी तरह विद्यालय में पढ़ी हुई रही है, उन्होंने नाम कमाया था। ये संस्थान नाम ही संस्था नहीं है, संस्थान का संदेश पूरे देश के अंदर। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इतने कॉलेज खोले जो इतने 75 साल में नहीं खुल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी काफी काम किया। 75 साल तक हमारे यहाँ पर 200 कॉलेज खोले, हमारे राजेंद्र राजेंद्र बैठे हैं, मुझे कहते घर है 250 कॉलेज तो खोले 75 साल के अंदर, और फिर 47 कॉलेज थे, और हमने अभी 5 सालों में आपको खुशी होगी 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज खोल दिए, उसमें 130 कॉलेज है। नौकरी खुशी है कि शिक्षा में हमने बहुत ध्यान दिया है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 में, तब सिर्फ 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे, आज आपको यहाँ खुशी होगी 91 विश्वविद्यालय राजस्थान में बन चुके हैं। 91 मेडिकल कॉलेज हर जिले में, राजस्थान वो राज्य देश के अंदर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और एक ITI बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंग्रेजी के महत्व को समझते हुए हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हमारा ये प्रयोग काफी लोकप्रिय हुआ और आज इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए लोगों की लाइनें लगती हैं। पावर जरूरी है कि बच्चे, हमारे राजस्थान के बच्चे भी अंग्रेजी के अंदर भी आगे बढ़े। गाँव गाँव में सरकारी स्कूल खोलना बहुत बड़ी बात है, 50,000 फीस लगती बाहर स्कूल में, 1,00,000 लगती फीस, गरीब आगे दे नहीं सकता। हमने एक प्रयोग किया है, बहुत पॉपुलर हुआ है, 70 स्कूल खुल चुके हैं, 1,000 स्कूल जिन्होंने और घोषणा कर रखी है खोलने के लिए। नए जिले बनाने की घोषणा के बाद प्रदेश की जनता में खुशी की लहर है। प्रदेशवासी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आभार जता रहे हैं। नीम का थाना और डीडवाना कुचामठ से आए प्रतिनिधि मंडलों ने भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की और नए जिलों के गठन के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश के दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से राजकीय विद्यालयों और चिकित्सालयों जैसी भवनों का नामकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा राजसमंद जिले में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र पाल चौधरी के नाम करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। चूरू जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगा भरथरी तहसील सरदार शहर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।
बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान ने सवाई माधोपुर जिले की सूरत बदल दी है। इस अभियान ने शहर को क्लीन, ग्रीन और पिंक सिटी बना दिया है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश ओला के नवाचार और विजन से ये संभव हो सका है। पर्यटक और स्थानीय लोगों को भी शहर की ये छवि काफी लुभा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। सवाई माधोपुर विश्व विख्यात रणथंबोर बाघ परियोजना और त्रिनेत्र गणेश धाम के कारण पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। बाघों का दीदार करने यहां विश्व के करीब 160 देशों के पर्यटक हर साल आते हैं। बाघों की नगरी आने वाले पर्यटकों को यहां कई बार कचरे, गंदगी और आवारा पशुओं का सामना करना पड़ता था। जिला कलेक्टर ने इसी समस्या को दूर करने और शहर को क्लीन, ग्रीन और पिंक सिटी बनाने के लिए 12 फरवरी 2022 को बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत शहर को साफ सुथरा कर गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर एक रंग से पुतवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स, होटल व्यवसायियों, मैरिज गार्डन संचालकों और व्यापारियों के साथ एक बैठक ली। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी से शहर को स्वच्छ बनाने की अपील की। इसके साथ साथ विद्यार्थियों और विभिन्न स्वयंसेवक संगठनों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता रैली और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए। हर रविवार को कचरे पर वार अभियान चलाकर एक आदमी को 25 घरों की जिम्मेदारी दी गई। स्कूल्स में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में सफाई को उनकी आदत बनाने के लिए स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। शहर के कई हिस्सों में सफाई अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के तहत अभय कमांड के 140 सीसीटीवी कैमरों के जरिए सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालकर शहर को गंदा करने वाले लोगों की पहचान कर उनके वीडियो नगर परिषद को उपलब्ध करवाए गए। नगर परिषद टीम द्वारा उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संबंधित कचरा डालने वाले नागरिकों से जुर्माना भी वसूला गया। बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौराहों, मार्गों की साफ सफाई के साथ ही सड़कों पर हो रहे गड्ढों को भी भरवाया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों, बावड़ी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंबोर किले सहित कई स्थानों पर सफाई अभियान चलाए गए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्य मार्गों के डिवाइडरों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, खेल मैदानों पर सफाई और उनकी चार दीवारी को एक ही रंग से पुतवाकर उन पर प्रकृति और पशु पक्षियों के सुंदर चित्र बनवाए जा रहे हैं, जिससे शहर का मनमोहक स्वरूप निकलकर सामने आया है। बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान ने आज शहर की तस्वीर बदल दी है। शहर के सरकारी अस्पताल परिसर, पार्क, मुख्य सड़कें साफ सुथरे नजर आने लगे हैं। सवाई माधोपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने से रणथंबोर का स्वरूप निखरा है, जिससे कुछ महीनों में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पर्यटकों को इस शहर का नया गुलाबी रूप खूब भा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में शहरी क्षेत्र में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और जगह जगह पर कचरे के ढेर थे, जनता की भी ये भारी समस्या थी। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था बदलेगा माधोपुर। अभियान की मुख्य मंशा ये थी कि सफाई कर्मियों के साथ साथ यहाँ की स्थानीय जनता को, यहाँ के एनजीओज को, यहाँ आने वाले धार्मिक श्रद्धालुओं को, टूरिस्ट को, सभी को एंगेज किया जाए और एक ऐसी मुहिम तैयार की जाए जिससे शहर में एक सफाई का माहौल बने। और पिछले साल भर में इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ की मुख्य सड़कें, यहाँ के मुख्य बाजार, यहाँ के पार्क, यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उनमें काफ़ी सकारात्मक सुधार देखने को मिला और जनमानस में भी एक अवेयरनेस आई कि शहर जितना स्वच्छ और सुंदर होगा, यहाँ आने वाला हर पर्यटक एक अच्छी इमेज सवाई माधोपुर के लेके जाएगा। पूरा शहर पिंच मिनी पिंक सिटी के हिसाब से लग रहा है और हम तो चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम होते रहे। जैसे सिटी एक बहुत सुंदर लग रहा है, पहले रंग बिरंगा हो रहा था, काला, पीला, नीला, और आज चित्रकारी हो रही है, रंग कलर वगैरह हो रहा है, टाइगरों के चित्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। सफाई वगैरह बहुत अच्छी रहती है, लगी पहले से गुलाबी नगर लग रहा है, प्रोग्राम बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।